बना, पुरानी ईंटों पुरानी लकड़ी से बना हुआ। लोकल शहर घुमा देते हैं आपको आज, ये लो घूम लो। जितने बढ़िया लोग उतनी घटिया रोड। और यहाँ पर जो है वो सबके सब मेरे को समझ रहे हैं आर्मी वाला, इसलिए किसी गार्ड ने या किसी ने भी हमें रोका नहीं। भाई आपके लिए एक एक ले लेना, कीचेन है हमारे यूट्यूब का। ये भाई यहाँ का एयरपोर्ट, ये खड़े हैं प्लेन्स, देखो कितने सारे छोटे छोटे प्लेन्स हैं सारे। ये हमारे अक्कू द राइडर, थैंक यू। सुबह सुबह जो है इन्होंने लेट करा दिया हमारे को एज यूजुअल, अक्कू की वजह से लेट हो गए। भाई का जो है वो 5 बजे, कितने बजे अलार्म बजा था? 5 बजे। 5 बजे अलार्म बजा और भाई साहब जो है अलार्म से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अलार्म से तो उठते ही नहीं है जब तक इनको मैं ना उठाऊं प्यार से सहला के, जब तक अक्कू भाई उठते ही नहीं है। तो चलो भाई अपन अभी निकल लिए हैं मंदिर की तरफ, अभी चलते हैं दर्शन करते हैं, अगर मंदिर अभी खुला हुआ तो, क्योंकि अभी बज चुके 12:10 और 1 बजे तक मंदिर रहता है। तो अपन जो है पहले पूछते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आगे निकलते हैं कहीं। और नेपाल की रोड भाई साहब, आहा क्या बात है, इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया हो सकती थी अगर 1% भी काम कर दिया होता तो। तो भाई घटिया रोड, घटिया जितने बढ़िया रोड उतनी घटिया, जितने बढ़िया लोग उतनी घटिया रोड, ये वाला हाल है नेपाल का। लोग बहुत बढ़िया हैं पर साली रोड, आहा क्या बोलूँ मैं, बहुत ही घटिया, इतनी घटिया रोड तो इसकी माँ की मैंने कभी देखी ही नहीं कहीं। इतनी वाहियात, इतनी वाहियात, निकम्मी निठल्ली निठल्ली। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है ना, इन्होंने रोड नहीं बनाई, इन्होंने गड्ढे बना दिए। हाँ। कह रहे कि आप, आपकी मर्जी है, आप रोड पे चलना चाह रहे हो तो खुद बना लो, नहीं तो हमने तो गड्ढे बना के दे दिए आपको, तो उसमें चलाते रहो। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। हाँ, गाड़ी तक भी अगर चलाते हो ना तो मेरे हिसाब से तो एक बार में गाड़ी वाले की भी फट जाती है कि भाई ये कहाँ फंस गया मैं, बहुत ही बुरा हाल है। चलो फौजी वाली टोपी मैंने पहन ली है जो प्रदीप जी ने मेरे को दी थी, और अभी निकल लिए हैं हम इस भीड़ो भाड़ से। भाई साहब ट्रैफिक का यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है, बहुत जाम रहता है। आज हम अपनी भूसा नहीं लेके आए क्योंकि मंदिर के पास खड़ी करने की प्रॉब्लम है, तो अक्कू वाली को तो हम कहीं जो है होटल में, किसी होटल में बात करके या फिर किसी उसमें जो है वो कर देंगे एडजस्ट। देखो भाई कितना पुराना क्या है ये, पता नहीं जो भी है, बट एवर है बहुत पुराना, पुरानी ईंटों पुरानी लकड़ी से बना हुआ। लोकल शहर घुमा देते हैं आपको आज, ये लो घूम लो। भाई हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मंदिर के पास, पशुपतिनाथ मंदिर के पास, और यहाँ पे भाई साहब रहता है बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहीं पे रुके थे कल परसों तो बहुत बुरा हाल था। और यहाँ पे ट्रैफिक चेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है, देखो पकड़ रहे हैं ना, पर्चियाँ काट रहे हैं। इस पार्किंग, तो पार्किंग के लिए पूछते हैं अभी किसी से, आगे चलो उससे पूछते हैं भैया से, पार्किंग की तरह पार्किंग। यहाँ से जो है वो होती है भाई एंट्री, मेन रोड से इधर आओ और यहाँ से जो है वो चलते हैं अंदर की तरफ। सामने जो दिख रहे हैं वो पूरा मंदिर का ही एरिया है, पूरा का पूरा। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको मंदिर की सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए अंदर नहीं ले जा पाएंगे, बाहर से ही दिखाते हैं आपको। यहाँ से होती है भाई मंदिर की एंट्री, ये पीछे पूरा पंडाल, पंडाल से यहाँ करेंगे हम मंदिर की एंट्री। प्रसाद ले चुके, प्रसाद दिखाओ भाई, प्रसाद ले लिया, प्रसाद ले लिया भाई, पूजा सामग्री ले ली है, ये प्रॉपर आज जो है वो पूरा अभिषेक करके तभी आएंगे। चलो चलते अंदर, अंदर आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं है, तो दैट्स व्हाई जो है वो यहीं तक हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा। आ चुके हैं भाई बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे जो है वो सबके सब मेरे को समझ रहे हैं आर्मी वाला, इसलिए किसी गार्ड ने या किसी ने भी हमें रोका नहीं भाई। जहाँ पे हम जा रहे थे, सर आ पाइए। दीप जी की टोपी जो है ना वो बहुत बढ़िया टाइप पे काम आ गई है भाई। क्या कह रहे थे वो गार्ड और पुलिस वाले, बोल आ रही है भाई, गार्ड और पुलिस वाले क्या कह रहे थे, सर आप जाइए, दर्शन कराओ ना किसके, ग्रुप वालों के।
चलो भाई दर्शन कर लिए। ये पीछे खड़े थे, इन्होंने बोला कि बच्चों को आगे जाने देना। मैं कहा जी सर। वो वही एक मेरे पीछे बंदा खड़ा था, वो बोलने लग गया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो भाई चलते हैं अभी यहाँ से, मिलते हैं आपको खाने आगे। भूख लगी भाई। हम चल पड़े हैं नगर कोट की तरफ, पशुपतिनाथ जी दर्शन करके नगर कोट जा रहे हैं, और मैं बैठा हूँ पीलियम पे एसी पे। अच्छा, तो भाई के साथ। और यहाँ पे कोई भैया मिल गए हैं, जो भैया हैं हमें बता रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। ये भाई यहाँ का एयरपोर्ट, ये खड़े हैं प्लेन्स, देखो कितने सारे छोटे छोटे प्लेन्स हैं, सारे बड़ा प्लेन एक भी नहीं है, सारे छोटे छोटे प्लेन है। हिल स्टेशन हो गया ना, तो हिल स्टेशन पे आई थिंक जो है शायद सिर्फ छोटे वाले ही प्लेन है। यहाँ पे बड़ा प्लेन के लिए जो है वो रनवे इतना लंबा यहाँ पे बनाना मुश्किल होगा शायद, या अगर नहीं चल पाते होंगे पता नहीं क्या रीजन है। ये है काठमांडू का एयरपोर्ट। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई नगरकोट, और हमें मिल गया ये गिटार होटल वाले भाई का, और अब हम करेंगे फुल बकर। बजाना बजाना हमें आता नहीं, और इधर उधर से जो है पैर पीटी लेके। क्यों भाई इसको कैसे करते हैं, इधर करते तो कैसे आती है, इधर करते तो कैसे आती है, जिसको आता है वही चला सकता है। इतनी बढ़िया आवाज आ रही है ना। इसका वो होता है यार एक सिक्का बजाने वाला, वो कहा है नोट वाला, उससे मजा आएगा। नहीं आता नहीं था मेरे को, पर भूल गया मैं। देखो भाई हमारे अक्को भाई फोन में गाने चला के हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मैं गिटार बजा रहा हूँ। वाह बजाओ अक्को बजाओ। हाँ 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है। वाह वाह हाँ 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 मजा ही आ गया, जबरदस्त। ये है पूरा नगरकोट का एरिया भाई। इतने सुंदर पहाड़ नहीं है भाई नेपाल के, जैसे हमारे हिमाचल और उधर के है ना उत्तराखंड के, इतने सुंदर पहाड़ यहाँ के हैं। वो फील नहीं आ रही जो उत्तराखंड और अपना हिमाचल जाके आती है ना, वो फील यहाँ से आ नहीं रही। ये नगरकोट लोकेशन पड़ती है भाई, आए थे घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर छोटी सी एक जगह है, एक कस्बा टाइप से नेपाल का। खाना पीना जो खाना था वो खा लिया हमने, और अभी यहाँ से चल रहे हैं वापसी अपना होटल की तरफ। होटल जाके देखते हैं भाई साहब, ठंड है यहाँ पे, सूखी ठंड है बड़ी ज़बरदस्त, हाथ ऐसे हो गए हमारे सूखे सूखे से बिल्कुल। होटल की तरफ चलते हैं और आराम करते हैं। यहाँ पे सारे बंदे जो है मेरे को इस टोपी की वजह से जो है वो सलूट मार रहे हैं, उनको लगता है कि या तो मैं पुलिस वाला, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पे ऐसी ही टोपी पहनते हैं, या फिर मैं आर्मी वाला हूँ। देखो भाई ये चल रहा है शाम को फुटबॉल का गेम। वाह वो रोक ली भैया ने, बहुत बढ़िया गुड। ऐसे ऐसे जो है ये मज़ा आता है। वाह जूते मैंने पहन नहीं रखे, नहीं मैं भी खेल लेता, ज़बरदस्त। गिफ्ट दे दे इनको। चलो भाई आपके लिए एक एक ले लेना, कीचेन है हमारे यूट्यूब का। कितने बंदे हैं इधर, और भी हैं क्या? 20 देखना पड़ेगा। कौन सी जगह है भाई ये? ये खरपटे। हमें बाइक लेके आना था, फिर हम बाइक लेके आए। 25 लोग से हम अपनी बाइक नहीं लेके आए, एक ले दे। एक्चुअली हम इधर आए थे यूट्यूब मदर बाबू को बाइक लाना था। मेरा अपने बाइक मान, कौन सा बाइक है ये? ये एसडी है भैया के पास, हायाबुसा है, हायाबुसा लेके आए हैं। काठमांडू खड़ी है, इधर ऑफ रोड है ना, इसलिए इधर लेके नहीं आए, नीचे लग जाती। एक राइट देगा किसकी? ये हमारे चितवन बाबू चल रहे हैं अपनी केटीएम पे, हम चल रहे हैं अपनी यसदी पे। और भाई साहब ठंड इतनी है ना कि मैंने कैप पहन रखी है, कैप के साथ में लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है, फिर भी ठंड के हमारे जो है वो कुड़कुड़ी हो रही है, कुड़कुड़ी बहुत ज़्यादा ठंड है।
ऊपर से हम आए थे नॉर्मल धूप में, तो हमें लगा कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, पर प्रॉब्लम भाई साहब ठंड ने जो है हमारी बत्ती बना रखी है बिल्कुल। जैसे जैसे जब तक सूरज रहता है जब तक तो ठीक है, आप थोड़ा सा काम चला लेते हो, जैसे ही सूरज जाता है वैसे ही भाई साहब लेंटर लग जाते हैं लेंटर। यहाँ के बंदे बहुत अच्छे हैं भाई, आपको भाई बहुत अच्छी अच्छी डिटेल बताते हैं कि भाई हमें मिले। भाई आपका किस नाम से यूट्यूब चैनल? अभिनव खतियोड़ा। अभिनव खतियोड़ा, अभिनव खतियोड़ा के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है। भाई जो भी है नेपाल वाले बंदे इंडिया वाले बंदे सब्सक्राइब कर देना भाई का चैनल जरूर। नेपाल वालों को हम गिफ्ट बांट रहे हैं भाई, बहुत सारे कीचेन जो हम लेके आए थे साथ में हमने बहुत सारे बंदों को बांट दिए। तो पुलिस वाले यहाँ पे कैमरे से इतना डरते हैं जैसे सांप छोड़ दिया हो हमने उनके पीछे। कैमरा जहाँ पे उनको दिखा वहाँ पे वो भाग जाते हैं। तो भाई एक आध जगह तो ऐसी दिखती है बिल्कुल कि दिल्ली में आ गए हैं जैसे हम। ये सामने नेपाल टेलीकॉम की बिल्डिंग है, अंधेरे में पता नहीं साफ दिख रही है नहीं दिख रही है। ये कि इन्होंने यहाँ पे बुर्ज खलीफा टाइप से जैसे दिल्ली में टीवी टावर है उस टाइप से बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, इसको मैच वैच चला दिया करो यार कभी। और नेपाल की तो अपनी ना तो क्रिकेट टीम है ना फुटबॉल टीम है, मैच भी क्या चलाएंगे भाई। जाम ने तो जो है ना वो ले रखी है बोरे तरीके से। हेलो, ये थोड़ा सा भाई जो नेपाल का है वायुसेना निगम पता नहीं क्या क्या, ये थोड़ा सा अच्छा डेवलप एरिया है नेपाल का जिसमें हम अभी घूम रहे हैं। ये सामने इनका दादू पीनू करके कोई वो है, द काठमांडू मॉल। काठमांडू मॉल ये मेरे हिसाब से पूरे इसमें काठमांडू में एक या दो ही मॉल है, अजीब अजीब से थोड़ा ये एरिया है जो डेवलप है, बाकी कुछ नहीं है। नेपाल वायुसेना निगम, ठीक है जी। वायुसेना निगम भी दिखा दिया, देख लो आपको वायुसेना भवन दिखा दिया ना हमने, सारी चीज़ें दिखा दी। ये देखो भाई साहब कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे। अरे कल वाला एरिया है क्या जहाँ कल हम घूम रहे थे, वो तो नहीं है? ओ भाई साहब ये एक बिल्डिंग दिखी है मेरे को यहाँ पे, लाजवाब सी कुछ, बहुत बढ़िया सी, कोई सरकारी वो है भवन ही है, वो कौन सा है पता नहीं, सरकारी भवन है या मॉल है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है क्या है, जो भी है वो अच्छा बना रखा है भाई। क्या है बैंक भी है, कौन सा बैंक था भाई, नाम पढ़ने में आया नहीं, काले चश्मे लगा रखे ना मैंने, हवा लग रही थी आपको, मैं ठंडी ठंडी देख नहीं रहा। ये लिखा हुआ सैनिक कल्याणकारी भवन, सैनिक कल्याणकारी भवन है, वाह। हम दोबारा से आ चुके हैं थमेल में, और थमेल में है यहाँ पे नाइट लाइफ, सिर्फ ये नेपाल का एक ही एरिया ऐसा है जहाँ पे नाइट लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो, इसके अलावा और कोई भी एरिया नहीं है। और ये हमारे साथ है चितवन बाबू, चितवन बाबू अपनी केटीएम पे, और ये दोबारा से फिर जो है पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ पीछे तक, ट्रैफिक जाम लग गया ना बहुत बुरा वाला।